हाय एवरीवन, मैं हूं ऋतु मिर्जल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो सेकेंड टाइम परफॉर्मेंस के बारे में है। जी हाँ, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, काफ़ी सारे कपल्स ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट टाइम में बिल्कुल मन नहीं भरता, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, वो दूसरी बार अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में, नर्वसनेस के चक्कर में फर्स्ट टाइम जल्दी गिर जाता है, या फिर ऐसे ही किसी को थोड़ी बहुत अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। और ना भी हो, बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में होते हैं, डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं, या फिर शादी के बाद भी नई नई शादीशुदा जिंदगी हो या ना हो, 10 साल का बच्चा हो या ना हो, लोगों का फर्स्ट टाइम में मन नहीं भरता। एक ही रात में वो दो दो बार परफॉर्म करते हैं या पूरे दिन में वो एक बार दो बार परफॉर्म करते हैं। तो सेकेंड टाइम जब परफॉर्मेंस की बात आती है ना, तो बहुत सारे पुरुषों में एक दिक्कत हो जाती है कि उनका या तो रिएक्शन अच्छे से नहीं होता या फिर उनका बहुत ही जल्दी थकने की समस्या हो जाती है। तो इसीलिए वो क्यों होता है, सॉल्व कैसे करें, दूसरी बार बढ़िया परफॉर्म कैसे करें, फुल स्टैमिना के साथ, जोश के साथ एंजॉय कैसे करें, उसी के बारे में ये वीडियो है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाली बात मैं नहीं बताने वाली हूँ जो आपके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बल्कि वही बताने वाली हूँ जो अगर आप थोड़ा करो ना तो सेक्स आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो। तो चलिए फटाफट बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में। पर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत से बनती है वीडियो, तो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करते जाए, शेयर भी कर सकते हैं, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूले। 80% लोग मेरी वीडियोज देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ये जो फर्स्ट टाइम के बाद दूसरी टाइम इरेक्शन आना, स्टेमिना आना, सेक्स करना, ये जो बीच का गैप होता है इसको रिफ्रेक्टरी पीरियड कहते हैं। औरतों के लिए बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है क्योंकि औरतों के शरीर में ना इरेक्शन की बात इतनी नहीं आती। चाहे फीमेल रेडी हो या ना हो, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो, वो कॉम्प्रोमाइज करके सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, इसमें उनको दिक्कत नहीं होती। बट मर्दों के इसमें ये होता है कि अगर उनकी बॉडी उनका साथ ना दे, अगर उनका मन ना हो, अगर इरेक्शन अच्छे से ना हो, तो वो कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए उसकी बॉडी को प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये रिफ्रेक्टरी पीरियड है ना, ये किसी किसी में 30 मिनट का हो सकता है, किसी में 1 घंटे का, और किसी में ये 24 घंटा, किसी में 48 घंटे का भी हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों इसको कम कैसे करें, उसी के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि जब भी आप दूसरी बार परफॉर्म करने जाएं ना, उससे पहले कुछ एनर्जेटिक ड्रिंक पी लें। पता है क्यों? क्योंकि जब आप सेक्स करते हो ना, तो आपकी बॉडी पहली बात एनर्जी लूज़ करती है, दूसरी बात वो बॉडी से न्यूट्रिशन लूज़ होता है, पानी लूज़ होता है, तो इसीलिए डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, थकान की समस्या होती है, केमिकल रिलीज होता है, तब की ब्रेन रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से दूसरी बार परफॉर्मेंस में ये सारी चीज़ें बाधा क्रिएट कर सकती है। अगर आप लैक ऑफ स्टेमिना की प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको थकान की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, या फिर दूसरी कोई इश्यूज हो रहे हैं, तो इस केस में ये आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। इस केस में आप अगर दिन का टाइम है तो आप कोई एनर्जेटिक जूस हमेशा प्रिपेयर करके रखना, कोई भी, बट वो प्रिजर्वेटिव्स वाले नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो कि आर्टिफिशियल हो, पैक्ड हो। नॉर्मली आप नींबू, चीनी, नमक वाला पानी ही पी लो, इससे ही भी आपका काम चल जाएगा, आप री एनर्जेटिक फील करोगे। या फिर कोई फल का रस हो या कुछ भी हो, या फिर हो सकता है कि बीच में आप एक हल्का सा मील ले लो, कोई स्नैक्स ले लो, इससे जो एनर्जी आपने लूज़ की है, इससे जो पानी आपने लूज़ किया है, जो आपने थकान की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो सॉल्व हो जाएगी, आपकी बॉडी वापस आप एनर्जेटिक फील करोगे, और जो भी आपकी बॉडी ने लूज़ किया था वो दोबारा रिगेन हो जाता है, दोबारा एनर्जी आपकी बॉडी रिगेन कर लेती है। तो ये एक सबसे बड़ी सोल्यूशन है आपके लिए, उसी वक्त इनिशिएट बेस पे आप ये कर सकते हो। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मुसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मुसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है, और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ।
दूसरी बात जो चीज पे आपको ध्यान देना है वो है फोप्ले। जी हाँ दोस्तों, फोप्ले एक ऐसा टेक्निक है जो मुर्दे में भी जान डालता है। ये कहावत है, बट एक्चुअली थिंग इज कि जब आप फोप्ले पे इन्वॉल्व होते हो ना, तो आपकी जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो दोबारा एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब दोबारा सेक्स हार्मोन एक्टिवेट होने लगता है, तो नेचुरली इरेक्शन इश्यूज होना, लैक ऑफ लिबिडो की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे वैसे ही सॉल्व हो जाती है और सेकेंड टाइम इरेक्शन भी बढ़िया होता है। और जब आप फुल रेडी हो जाते हो, आपकी वाइफ भी फुल रेडी हो जाती है, तो दूसरी बार परफॉर्म करने में कोई दिक्कत नहीं होती। पहली बार झटापट करते हो, इससे आपने देखा शुरू में 10 मिनट का टाइम लगा था, दूसरी बार भी 10 मिनट का नहीं। अगर आप दूसरी बार परफॉर्म बढ़िया करना चाहते हो तो फोप्ले का टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा, और वो फोप्ले इन्वॉल्वमेंट के साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही आप उसके ब्रेस्ट को रगड़ते जा रहे हो, ज़बरदस्ती आप कुछ कर रहे हो, वो नहीं। जो भी करो भाई, प्यार से करो, प्यार होनी चाहिए उसमें, टच में सॉफ्टनेस होनी चाहिए कि आपकी फीमेल पार्टनर भी उत्तेजित हो और उससे आपका भी जो डिज़ायर है, जो एक्साइटमेंट है वो बढ़े। और तीसरी बात, एक चीज़ का ध्यान रखो भाई कि आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ठीक है कि नहीं है। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो पुरुषों का मेन लीड सेक्स हार्मोन होता है। इसकी कमी से चाहे आप कुछ भी कर लो, आप सेकेंड टाइम परफॉर्म क्या फर्स्ट टाइम भी परफॉर्मेंस आपका अच्छा नहीं होता है। इरेक्शन इश्यूज कभी आपके सॉल्व नहीं होंगे, स्टैमिना की दिक्कत कभी आपकी ठीक नहीं होगी, और सेक्सुअल हेल्थ भी धीरे धीरे आपकी ख़राब होती जाएगी। स्पर्म काउंट में भी कमी दिखती है इससे, फर्टिलिटी में भी इसमें प्रॉब्लम दिखती है। और सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ पे नहीं, नॉर्मली जब आप भागदौड़ की ज़िंदगी में होते हो तब भी भागने में आपको काफ़ी दिक्कत होती है, तो टेस्टोस्टेरोन पे ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी है, थकान की दिक्कत आपको होती ही है वैसे ही, तो फिर आप आयुर्वेद का सहारा ले सकते हो। आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट होते हैं जो तेज़ी से आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में मदद करता है। अपने खान पान पे कॉन्सेंट्रेट करो, अच्छा डाइट लो। और आखिरी बात दोस्तों, आपको थोड़ा खान पान पे भी फोकस करना बहुत ही जरूरी है। जंक फूड वगैरह हर वीडियो में बोलती हूँ यार, ये कम कर दो। अल्कोहल सिगरेट से थोड़ा सा परहेज कर लो, अच्छा डाइट लो, बड़ा खाना कम खाओ, पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पियो, और नींद भर के लो। नींद की कमी अक्सर आपके स्ट्रेस डिप्रेशन को बढ़ा देता है, और इससे सेक्स हार्मोन घट जाता है, टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है, और साथ ही साथ आपके बॉडी में वो सारे हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं जो आपके शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो नींद भरपूर लेना ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लेस्ट इज़ कि जो रिफ्रेक्टरी पीरियड है ना, वो अलग अलग मर्दों के केस में अलग अलग हो सकता है। जिनके शरीर में कोई दिक्कत नहीं होती, जो फिट है, एक्टिव है, जो एक्सरसाइज वगैरह बहुत अच्छा करते हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप आधा एक घंटा जिम जाके बैठे रहो, बट नॉर्मली जो फिट होते हैं, एक्टिव होते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना, उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी नहीं होती, वो एनर्जेटिक रहते हैं और उनकी सेक्सुअल लाइफ भी बढ़िया रहती है। जो सेकेंड टाइम ये जो रिफ्रेक्टरी पीरियड है वो उनका शॉर्ट हो जाता है, वो आधे घंटे में ही अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे भी उनका कोई भी एज हो। ज़रूरी नहीं कि ये 30 में ही होगा, 40 में ही होगा, 50 साल की उम्र में भी रिफ्रेक्टरी पीरियड को कम किया जा सकता है। 30 साल का लड़का भी एक दिन के अंदर दोबारा खड़ा नहीं कर पाता अपने आप को, जबकि एक 45 साल का मर्द भी आधे घंटे एक घंटे में ही दोबारा अपने आप को रेडी कर सकता है बिना दवाई के। डिपेंड करता है कि वो कितने फिट है, एक्टिव है, और सेक्सुअली वो कितने इन्वॉल्व है। दोस्तों आप रोज पिज्जा वगैरह खाओगे और ये सोचोगे कि रात में मैं पलंग तोड़ परफॉर्मेंस करूंगा, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अच्छे डाइट पे अपने आप को स्विच करो, अच्छा खाना खाओ, अपनी वाइफ के साथ इन्वॉल्व हो जाओ और देखो कमाल। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना ना भूलना, अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल में रोज देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।